दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी बैंक में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खुलने वाला अकाउंट है जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट रहता है, तो उस पर आपके लिए इस प्रकार का एक डेबिट कार्ड जरूर मिला होगा और इस डेबिट कार्ड पर आपके लिए मिलते हैं 2 लाख रुपए तक के फायदे और इसी के साथ बहुत सारे बेनिफिट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते पर मिलने वाले रुपए डेबिट कार्ड के क्या क्या फायदे हैं, लेकिन इन सबका लाभ उठाने के लिए हमें प्रॉपर जानकारी होना चाहिए और उसकी सारी टर्म एंड कंडीशन का पता होना चाहिए। चलिए आज की इस वीडियो समझते हैं इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के रुपए डेबिट कार्ड के सारे फायदे। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सब लाभ लेने के लिए आपके पास किसी भी बैंक में जनधन खाता होना चाहिए। जनधन खाता आप किसी भी बैंक में ओपन कर सकते हैं और अगर आपका ब्रांच में जनधन खाता नहीं खुल रहा है तो आप क्यूस्क सेंटर पर जाइएगा। हर बैंक का अलग अलग क्यूस्क होता है जिसके लिए हम CSP बोलते हैं, वहां पर आप जाके बड़ी आसानी से खाता खुलवा लीजिएगा, वो खाता आपका जनधन योजना का खाता ही खोला जाएगा। तो आपके लिए इस प्रकार से खाता खुलवा लेना है, उसके बाद आपको इस प्रकार का डेबिट कार्ड मिलेगा। पहला यहां पर फायदा ये आता है इस डेबिट कार्ड का, ये डेबिट कार्ड आता है बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए फ्री, कोई भी आपको इसका चार्ज नहीं देना होता है। आजकल आप किसी बैंक में जाइएगा, खाता खुलवाइएगा, उसके साथ आपको जो डेबिट कार्ड मिलेगा वहां पर आपका 125 रुपए से लेकर के और आपका 599 रुपए तक का चार्ज लिया जाता है। लेकिन ये अकाउंट आपको खुलता है सरकार की योजना के अंतर्गत, तो यहां पर आपका बिल्कुल फ्री में डेबिट कार्ड मिलता है आपके लिए। और अगर ये डेबिट कार्ड कभी बाई चांस खो जाता है तो आप दोबारा इसको ऑर्डर कर सकते हैं और उसका भी कोई भी चार्ज आपको बैंक को नहीं देना होता है। तो यहां पर आपके लिए एक बहुत बड़ा फायदा है कि लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री में डेबिट कार्ड दिया जाता है और ये सारे बेनिफिट आपके सभी बैंकों के लिए यहां पर बराबर मान होंगे। आपका खाता चाहे सरकारी बैंक में है, SBI में, सेंट्रल में, PNB में, या फिर आपका खाता किसी प्राइवेट बैंक में है, HDFC बैंक में, ICICI में, या फिर कोई दूसरी बैंक में है, तो ये सारी कंडीशन आपके खाते पर लागू होंगी। दूसरे नंबर बेनिफिट मिलता है आपके लिए यहां पर 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है इस डेबिट कार्ड पर। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति का जनधन वाला खाता है, कोई सी बैंक में हो, SBI में हो, सेंट्रल में हो या ICICI बैंक में हो, और भगवान न करे उस व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है और फिर मृत्यु हो जाती है, तो सरकार की तरफ से इस डेबिट कार्ड के तहत एक इंश्योरेंस दिया जाता है जिसमें 2 लाख रुपए तक की एक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहां पर आपको 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति का खाता है किसी बैंक में और किसी भी कारण से भगवान न करे अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए 30,000 रुपए की सहायता दी जाएगी सरकार की तरफ से, और यह भी एक बीमा होता है जो कि आपके इस प्रकार के डेबिट कार्ड पर आपकी बैंक की तरफ से आपको दिया जाता है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों बेनिफिट लेने के लिए, 2 लाख का बेनिफिट और 30,000 का बेनिफिट लेने के लिए, आपने पिछले 90 दिन के अंदर अपने डेबिट कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन किया हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने अपना खाता खुलवा लिया है, खुलवा के भूल गए हो, या फिर आप कभी लेनदेन ही नहीं करते हो डेबिट कार्ड से, तो आपके लिए कोई भी लाभ यहां पर नहीं मिलेगा। तो अगर आपका जनधन वाला खाता है तो उसका इस्तेमाल करो, उससे आप पैसा निकालो, डेबिट कार्ड मिला है उसको आप स्विप कर सकते हैं, बहुत सारे शॉपिंग कर सकते हैं आप इससे, इससे आप ATM से कैश विड्रॉल करो, आपने चाहे 1 रुपए का ही लेनदेन किया हो लेकिन इस डेबिट कार्ड को पिछले 90 दिन में इस्तेमाल किया हो, तो आपके लिए यहां पर ये दुर्घटना बीमा कवर और जीवन बीमा का लाभ दिया जाता है। बाकी ये डेबिट कार्ड से आप विदाउट पिन के भी 5,000 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। आपको बार बार पिन डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कहीं शॉपिंग करने के लिए गए तो सिंपल सा आप इसको टैप करो, इसमें NFC सपोर्ट होता है, इससे आप 5,000 रुपए तक का पेमेंट विदाउट किसी पिन के कर सकते हैं, जो कि काफी बढ़िया है। लेकिन इसका नुकसान भी है एक, मान लो कभी डेबिट कार्ड गुम हो जाता है तो 5,000 रुपए को भी इसका निकाल सकता है आसानी से। तो इस फीचर को इस्तेमाल करने से पहले आपको एक बार सोच लेना है। यह डेबिट कार्ड आपके लिए लगभग सभी बैंकों में देखने को मिल जाएगा, आप बस वहां पर जाके अपना जनधन वाला खाता खुलवाइएगा, ऑटोमेटिकली यहां पर आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा। इस डेबिट कार्ड पर देखिए आपको स्पष्ट रूप से लिखा मिल जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना, और यह डेबिट कार्ड आपको मिलता है रुपए नेटवर्क पे। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर रुपए क्रेडिट कार्ड या रुपए डेबिट कार्ड के ऑफर चलते रहते हैं, तो वहां पर भी आप इस डेबिट कार्ड से वो लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि रुपए जो डेबिट कार्ड है ये हमारी इंडिया की NPCI कंपनी का है। NPCI हमारी इंडिया कंपनी है और उसने इसको डिजाइन किया है। वैसे आपको पता होगा डेबिट कार्ड 3-4 कंपनियों के आते हैं, वीजा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस, लेकिन जो रुपए वाला कार्ड है ये हमारे खुद का इंडिया का है। जिस कंपनी ने UPI को बनाया है उसी ने
इस डेबिट कार्ड को बनाया है, तो इस डेबिट कार्ड को सरकार प्रमोट कर रही है और लगभग सारी बैंकों में आपके लिए डेबिट कार्ड मिल जाएगा। जनधन वाला खाता खुलवाएंगे आप तो आपके लिए बिल्कुल फ्री में यह डेबिट कार्ड दिया जाएगा। जनधन खाते पर भी आपके लिए बहुत सारे लाभ मिलते हैं, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उस पर आपके लिए 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट लिमिट मिलती है, डीबीटी का फायदा आप ले सकते हैं, इस प्रकार से काफी सारे बेनिफिट है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो हमारे चैनल में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं।